गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम डेलीगेशन स्टेप पर थे। और डेलीगेशन में हम एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन पर चल रहे थे। ट्राइपोल पर ये डेलीगेशन एस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें एक है अथॉरिटी, सेकंड है रेस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड है अकाउंटेबिलिटी। स्टूडेंट्स इसमें हम अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस कर चुके थे, आज हम देखते हैं अकाउंटेबिलिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, जब कोई भी पावर डेलीगेट की जाती है तो साथ में उसके अथॉरिटी भी दी जाती है, काम को करने की अथॉरिटी भी दी जाती है। उस अथॉरिटी के बेस पर जिसको पावर डेलीगेट की है, काम करने की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि वो काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? वो केवल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है जिसने वो पावर यानी अथॉरिटी डेलीगेट की है। बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। मैं इसका हिंदी में मीनिंग भी समझा देता हूं। पहले अथॉरिटी का तो मतलब है अधिकार, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही, ठीक है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी वर्ड है, इसका मतलब है जवाबदेही। और जवाबदेही हमेशा उस ऑफिसर की होती है जो अपनी अथॉरिटी को अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है, वो अपने से ऊपर वालों के लिए जवाबदेह होता है यानी अकाउंटेबल होता है। जिसको अथॉरिटी डेलीगेट की गई है वो कभी भी अकाउंटेबल नहीं होता, जवाबदेही उसकी नहीं होती, केवल अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है और अपनी पूरी मेहनत से काम करता है, ठीक है। तो अगर एक मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को कुछ पावर्स अथॉरिटी डेलीगेट करता है तो वो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर अपने मैनेजर के लिए काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर काम नहीं होता है या काम में कुछ कमियां रह जाती हैं तो मैनेजर अपने से ऊपर चीफ मैनेजर के लिए अकाउंटेबल होगा। तो यानी जो अकाउंटेबिलिटी वर्ड है ये उसके लिए है जो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अनडाउटली एम्पावर्स एन एम्प्लॉई टू एक्ट फॉर हिज सुपीरियर, बट द सुपीरियर वुड स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर आउटकम। देखिए वही बात निकल के आई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपने एम्प्लॉई को वो पावर देता है सुपीरियर, लेकिन फिर भी कुछ भी काम होता उसके आउटकम के लिए, जो भी हो रहा है उसके लिए अकाउंटेबल यानी जवाबदेही सुपीरियर की ही होती है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इंप्लाइज बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम Once authority has been delegated and responsibility accepted, एक बार अगर अथॉरिटी दे दी और जिसको दी उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट कर ली, वन कैन नॉट deny अकाउंटेबिलिटी, वो अकाउंटेबिलिटी को deny नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी delegated, अकाउंटेबिलिटी delegate नहीं हो सकती। अथॉरिटी delegate हो सकती है ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी delegate हो सकती है और ना ही अकाउंटेबिलिटी delegate हो सकती है। जो अकाउंटेबिलिटी है ये अपवर्ड प्रोसेस है, अपने से भी सुपीरियर के लिए, ठीक है। इट फ्लोज अपवर्ड लाइक ए सबॉर्डिनेट विल अकाउंटेबल टू सुपीरियर फॉर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। इट इंडिकेट्स दैट द मैनेजर हैज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय हिज सबॉर्डिनेट। It has general enforced through regular feedback on the extent of work accomplished.
वो प्रेशर बना सकता है इस बात के लिए कि भाई तुम इस काम को ठीक से करो, लेकिन कुछ भी आउटकम आएगी उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सुपीरियर ही उसके लिए जिम्मेदार होगा। द सबॉर्डिनेट विल बी एक्सेप्टेड टू एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन और ओमिशंस। जो भी कमियां होंगी, ठीक है, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा, एक्सप्लेनेशन वही देगा। इन कंक्लूजन इट कैन बी स्टेटेड दैट व्हाइल अथॉरिटी इज डेलीगेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। Responsibility is derived from the authority and accountability is derived from responsibility. ठीक है, एक बार अगर responsibility authority दे दी, responsibility भी दे दी, वो responsibility accept करेगा जिसको दी है, लेकिन accountability किसकी होगी? Outcome के लिए superior की ही होगी। ठीक है, हम starting में आपको ये दिखा देते हैं, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है। Delegation of authority undoubtedly empowers an employee to act for his superior, but the superior would still be accountable for the outcome. Superior ही जो भी outcome होगी उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो students, हमने तीनों elements जो delegation के थे, authority, responsibility और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों ही डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम जो तीनों हमारे हैं इनको हम कंपेटिवली एनालिसिस करेंगे, ये मीनिंग क्या है, इसको और आसानी से मतलब समझा जा सकता है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स ये इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।